हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छा होंगे हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज से कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग होने वाले है जो देखने में काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है। तो इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग आप भी कर पाओगे काफ़ी कम समय में। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना दोस्तों। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो बैकग्राउंड है उसको मैं पहले से लेके रखा हूँ, आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जितना भी PNG वगैरह जो भी यूज़ करूँगा वो भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी एड वाले फ़ोटो में जाएंगे, और जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो ये कटआउट करके अपना मॉडल को रखे है ये वाला फ़ोटो, उसको ले लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम करके और कुछ इस तरह से बैठाएंगे, ठीक है। अब इसको, ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसको बैठाने के बाद ये इरेजर वाले में जाएंगे, और जाने के बाद दोस्तों ये जो इरेज वाला दिया है उसमें जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ना ओपेसिटी को पूरा 20 के आसपास में रख लेंगे, और हार्डनेस को भी कम कर लेंगे, ठीक है, वो भी 20 के आसपास में रखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये जो नीचे से जो रहेगा ना, यहाँ पे इस तरह से ब्रश चलाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से साइड से इस तरह ब्रश चला लेंगे ताकि लगे कि रियल लुक आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से चलाने के बाद दोस्तों अब क्या करना, अब यहाँ से डन कर लेना, ठीक है। अब डन करने के बाद फिर एक बार डन कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों फिर एक बार एड वाले फ़ोटो में जाना, और जाने के बाद दोस्तों अब ये वाला PNG ले लेना, ठीक है। अब दोस्तों इसको लेने के बाद क्या करना, सबसे पहले ब्लेंड में जाना, और जाने के बाद इसको आइसक्रीम कर लेना, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसको क्या करना, ये ऊपर के साइड में इस तरह का इसको देना, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इस तरह देने के बाद दोस्तों अब यहाँ से डन कर लेंगे। अब डन करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, टैक्स वाले में जाएंगे, ठीक है, टैक्स वाले में जाएंगे, और आपको यहाँ पे सनम रे का कुछ गाना है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, या तो आपको जो भी गाना आपका फेवरेट है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ओके कर लेंगे। अब ओके करने के बाद दोस्तों क्या करना, आपको यहाँ पे टैक्स बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो जो आपको पसंद लगेगा वो दे लेना, ठीक है। तो अभी मैं कुछ ये वाला दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देने के बाद दोस्तों सैंपल से यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है। अब कुछ इस तरह से करने के बाद दोस्तों अब क्या करना, फिर टूल्स वाले में जाना, और जाने के बाद एडजस्ट वाले में जाना, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों क्या करना, ब्राइटनेस करके उसको थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, ठीक है। फिर अभी कंट्रास्ट में जाएंगे, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है, +10 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये क्लैरिटी में जाएंगे, तो इसको भी थोड़ा सा प्लस कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सीधा हाईलाइट में आ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से 20 के आसपास में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, शैडो पे जाएंगे और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब टेम्प में जाएंगे, माइनस 30 कर देंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ से डन कर लेना। डन करने के बाद दोस्तों देखो कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग हुआ है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फ़ोटो एडिटिंग अच्छा लगी होगी। अगर अच्छा लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।